हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज बात करते हैं हम लोग कैसे गुलदावरी की कटिंग को लगाना है। जी हाँ फ्रेंड, इस समय अगर आप गुलदावरी के जो आपका मेन प्लांट है उसकी आपको प्रूनिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम आ गया है और इस समय आप अगर उसकी प्रूनिंग कर देंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और जो प्रून करने के बाद ब्रांचेस निकलती हैं उनको आप लगाइए कटिंग, क्योंकि इस समय अगर आप कटिंग से प्लांट तैयार कर लेंगे तो आपको सर्दियों में बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे फ्लावर्स बहुत जल्दी मिलने लगेंगे। ये बहुत सही समय है कि आप गुलदावरी की कटिंग को लगाइए। ये देखिए, जो मैंने प्रून करके ब्रांचेस निकाली थी उनकी मैंने 3 से 4 इंच की कटिंग ले ली है, ये देखिए इस तरीके से। और नीचे की सारी लीव्स को मैंने हटा दिया है। इस तरीके से नीचे की सारी लीव्स को आप हटा दीजिए और आपको जितनी भी कटिंग लगानी है आप उस हिसाब से इनको ले लीजिए। ये देखिए मैंने 5-6 ली है बस कटिंग। और अब आपको ज़रूरत होगी एक पॉट की, तो ये देखिए ये हमारा पॉट, इसको मैंने हल्का सा मॉइस्ट कर लिया है। और इस पॉट में मैंने है थोड़ी सी, आप समझ लीजिए 20% गार्डन सॉइल है और 40% इसमें कोकोपीट और 40% सैंड है। क्योंकि मुझे ना ये जो आप मीडियम बना रहे हैं ये थोड़ा सा एयरी होना चाहिए, ताकि जब ये कटिंग्स लगें और इनकी जब जड़ें पर हों तो वो एकदम ठोस मिट्टी अगर होगी तो उनकी जड़ों को स्पेस नहीं मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। इसलिए इनको स्पेस जड़ों को अच्छे से मिले, इसलिए बहुत ही सॉफ्ट मीडियम बनाइए आप जो भी आप बना रहे हैं इनको कटिंग को लगाने के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी सारी कटिंग को ऐसे ही नहीं लगाना है कि आप ऐसे लगा दो, आपको पोक करना है। पहले हल्का सा पोक करिए कहीं किसी चीज़ से, सीजर से या फिर स्क्रू ड्राइवर से, और ये देखिए इस तरीके से लगा दीजिए। आपको जितनी कटिंग लगानी है आप उतनी कटिंग को ऐसे लगा दीजिए। बस दूरी इनकी 3 से 4 इंच की ज़रूर रखिए इनके बीच में। इस तरीके से कटिंग आप इनकी सारी लगा दीजिए जितनी आपको नीड है। उससे थोड़ी सी ज़्यादा लगाइएगा क्योंकि इनमें से कुछ कटिंग तो मर जाएंगी और कुछ कटिंग ही चलेंगी, तो जो कटिंग चलेंगी वो हमारे काम की होंगी और जो कटिंग मर जाएंगी वो वेस्ट हो जाएंगी। अब इसके बाद आप इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए। अगर आपने पहले मिट्टी को मॉइस्ट नहीं किया है तो आप इसमें पानी डाल दीजिए। मैंने पहले ही मॉइस कर लिया था इसलिए आप इसमें पानी नहीं डालेंगे और इसको रखेंगे छाया वाली जगह में। हाँ, इसको धूप में बिल्कुल मत रखिएगा अभी कुछ दिनों तक। जब आपको इसमें दिखने लगे कि नई लीव्स निकलने लगी हैं तब आप इसको धूप में रखिएगा। ये देखिए इसमें मुझे लगता है कि लीव्स ज़्यादा हैं और इसकी कोई नीड नहीं है, तो मैं इसको और इसकी लीव्स को प्रून कर दूँगी, क्योंकि इस समय मुझे लीव्स की नीड बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा लीव्स होंगी तो प्लांट को जो आपने कटिंग लगाई है उसको, मतलब जितना उसके अंदर पोषक तत्व होंगे वो सारे वो लीव्स को ग्रो करने में और ठीक करने में लगे रहेंगी। इसलिए अगर लीव्स कम होंगी तो प्लांट्स पे प्रेशर कम होगा और कटिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो होंगी। बस लग गई कटिंग्स, बस इनको छायादार जगह में रखिए और 15 से 20 दिन में इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको 1 से 1.5 महीने में ये ट्रांसप्लांट करने लायक हो जाएंगे। तब तक ये जुलाई तो जा ही रही, अगस्त आज ख़त्म हो जाएगा, हम इनको सितंबर में रिपोर्ट कर देंगे और उसके बाद नवंबर दिसंबर से ये हमें फ्लावर्स देने लगेंगे। तो चलिए आप भी लगाइए गुलदावरी की कटिंग को। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।